अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद फैमिली में आप सभी का वेलकम है। आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी खिचड़ी खट्टा। हैदराबादी खिचड़ी खट्टे के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेने चाहिए हम आपको बताते हैं, चलिए आइए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी फेमस खिचड़ी खट्टा बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने 100 ग्राम फल्ली ली है और 50 ग्राम हमने तिल ली है और इस तरह से इसे भून लिया है, रोस्ट कर लिया है। लाइट हमने ज्यादा डार्क नहीं करना है, ज्यादा डार्क अगर कर देंगे तो कड़वा टेस्ट आएगा, लाइट हम अगर भुनेंगे तो ये टेस्टी बनता है। चलिए देखिए, इस तरह से हमने इसे भून लिया है और यहाँ पर खट्टे के लिए हमने इसमें एक गिलास खट्टा निकाला है। हमने 50 ग्राम इमली डालकर इसका जूस निकाल लिया है, ये करीब एक गिलास है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा पुदीना लिया है, देखिए बारीक काड़ियों के साथ, हमने कौले काड़ियों के साथ में इसे लिया है। और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 5 हरी मिर्च को हमने इस तरह से बीच में से कट करके पीसेस ले लिए हैं और एक बड़ा चम्मच हम यहाँ पर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। सबसे पहले अब हम मसालों को पीसने में, देखिए हम यहाँ पर एक जार लेंगे और इसमें हम फर्स्ट ये तिल डाल देंगे इसमें, इस तरह से ये मसाले तिल और फल्ली दोनों डाल देंगे। चलिए देखिए, ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है हम ये इसमें डाल देंगे और इसमें हम हाफ चम्मच, देखिए नमक डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे। जब खट्टा डालेंगे हम उसमें टेस्ट करके इसमें नमक ऐड करेंगे। अब यहाँ पर इसमें ये जो मिर्च है ये हम इसमें डाल देंगे, हरी मिर्च डालकर पीसेंगे हम, ये कोथमीर और पुदीना हम इसे थोड़ा पीसने के बाद में डालेंगे वरना बारीक हो जाएगा, हमें इसे थोड़ा सा धरधरा रखना है हरा धनिया को। चलिए अब इसे हम पीस कर लाते हैं। चलिए देखिए, इस तरह से हमने इसका पेस्ट बना लिया है, अभी इसे हमें पीसना है। इसमें हम ये पुदीना डाल देंगे और ये हरा धनिया डाल देंगे, इसे डालकर हम थोड़ा इसे फिर से पीस कर लाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हुए मसाले। चलिए इसे हम अब पीस कर लाते हैं पेस्ट का। चलिए देखिए, इस तरह से हमने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है, अब इसे हम ये डिश में निकाल लेते हैं, ये वाले डिश में हम इसे निकाल लेंगे, सारे मसालों को हम इसमें निकाल लेंगे। चलिए अब इसमें हम ये जो खट्टा है ये डाल देंगे, आप इसमें देखकर इसमें खट्टा ऐड करिएगा, आपको कितना गाढ़ा रखना है पतला रखना है उस हिसाब से इसमें हम खट्टा ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें खट्टा डालिए और नमक ऐड करिएगा। अब इसको यहाँ पर आप चख लीजिए आपको कितना रखना है नमक और खट्टा, हमारे हिसाब से इसमें थोड़ा नमक लगेगा, हम थोड़ा नमक डालेंगे इसमें। एक हिसाब से हमने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक लिया है इसमें और ये जो बाकी का हमारा खट्टा है इसे भी हम इसमें डाल देंगे। चलिए देखिए, हमने इस तरह से इसे रखा है, ये देखिए अब इसको हम बगार डालते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बगार के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है, 50 ग्राम हमने इसमें तेल लिया है, यानी 2 बड़े चम्मच हम इसमें तेल डाले हैं, गरम हो रहा है ये। अब इसमें हम 1 चम्मच राया डालेंगे, राया पकते ही हम इसमें थोड़ा पकने के बाद इसमें जीरा डालेंगे हम। देखिए राया हमारा पक गया है, इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी हमने बगार की मिर्च ली है, थोड़ा करिया पाक लिया है, अब इसमें हम ये बगार की मिर्च डाल देंगे। ये जीरा राय अच्छी तरह पक चुका है, अब इसमें हम थोड़ी हल्दी ऐड करेंगे, अब हम स्टोव को ऑफ कर देंगे और इसमें हम ये थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसमें ये जो गरिया पक है इसे भी हम इसमें डाल देंगे। चलिए ये देखिए, ये बगार हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसे हम इस खट्टे में आहिस्ता से डाल देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तिल फल्ली का खट्टा बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और यमी बना है, देखने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम खिचड़ी की तैयारी करते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, खिचड़ी के लिए यहाँ पर हमने ये 750 ग्राम चावल लिया है। ये देखिए इस तरह से हमने इसे साफ कर लिया है। और यहाँ पर हमने हाफ कप जो है मूंग की दाल ली है और इसे रोस्ट कर लिया है। तवे पर भून लिया है हमने इसे थोड़ा सा। तवे पर दाल भूनकर डालने से बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इन दोनों को हम मिक्स करके अच्छी तरह से धो लेंगे। ये देखिए इन्हें इसको हम मिक्स कर दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह धोकर इसमें पानी डालकर रख देंगे। अब यहाँ पर मसालों में हमने देखिए एक बड़े साइज की प्याज ली है, इस तरह से इसे कट कर लिया है। और 5 से 6 हमने हरी मिर्च ली है और इस तरह से इसे कट लगा लिया है। और थोड़ी सी हरा धनिया लिया है और थोड़ा सा पुदीना लिया है और इसे अच्छी तरह कट करके हमने धो लिया है। और यहाँ पर एक बड़ा चम्मच हमने फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। चलिए अब हम खिचड़ी बनाते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉट में हमने 200 ग्राम तेल लिया है। इसमें हमने ये तेल गरम हो रहा है। अब इसमें हम ये मसाले डाल देंगे। 4 से 5 यहाँ पर हमने लौंग ली है, 4 से 5 इलायची ली है और थोड़ी से हमने दालचीनी ली है, ये चकला बोलते हैं इसे। और 1/2 टीस्पून हम यहाँ पर शाजीरा ली है। इन सबको हम इसमें डाल देंगे। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम ये प्याज डाल देंगे। ये प्याज को हम थोड़ा सा कर लेंगे। प्याज हमारी तल चुकी है, इसमें हम ये हरी मिर्च डाल देंगे और ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको अब हम थोड़ा भुनेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और ये जो पुदीना है हमने काटा था पुदीना, ये पुदीना डाल देंगे। और ये जो कोथमीर है, ये कोथमीर भी हम इसमें डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। चलिए देखिए इसमें हम 1/2 टीस्पून इसमें हम हल्दी ऐड करते हैं। इसे हम 2 मिनट के लिए इसको तल देंगे। चलिए देखिए प्याज और ये मसाले हमारे अच्छी तरह पक चुके हैं। अब इसमें हम ये चावल को ऐड कर देंगे। ये सारे चावल हम इसमें डाल देंगे। चलिए देखिए सारे चावल हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको 2 मिनट हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। ये प्याज चावल को हमने अच्छे से तल लिया है। अब इसमें हम 1 किलो चावल है हमारा, दाल और चावल मिलाकर 1 किलो है, 1 kg है। अब इसमें हम 1.25 लीटर पानी ऐड करेंगे। ये देखिए 1.25 लीटर हमने इसमें पानी डाला है। इसमें जरूरत पड़ने पे हम डालेंगे, चावल पे भी डिपेंड होता है कि पानी से कितना लगता है। अब इसे हम पकाएंगे, जरूरत के मुताबिक हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चलिए इसे हम पकने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल हमारा अच्छे से पक चुका है। नमक पानी हमारे टेस्ट के हिसाब से बराबर है। चलिए इसे अब हम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे दम पे रखेंगे। हम इसे 5-6 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। मेरे बच्चे को देर हो गई। चलिए देखिए फ्रेंड्स,
ये हमारी खिचड़ी अच्छी तरह से दम के तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह हमको भी बहुत अच्छी आ रही है। देखिए थरेरी कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए मूंग की दाल में खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। हम मसूर की दाल में भी बनाते हैं, मूंग की दाल में भी बनाते हैं। मूंग की दाल में खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस तरह से बनाकर हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। हमें कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसे लगी। चलिए इसे हम प्लेट में सर्व करते हैं। चलिए देखिए इस तरह हमने ये छोटा सा बाउल लिया है, इसमें हम थोड़ा सा खट्टा निकाल लेंगे। इसमें ये प्लेट लिए हैं, इस प्लेट में हम खिचड़ी को निकालेंगे इस तरह से। चलिए देखिए इस तरह से हमने इसे खिचड़ी प्लेट में सर्व की है। और यहाँ पर हमने एक प्याज के स्लाइसेस रख दिए हैं इस तरह से, और ये 2 से 3 हमने मिर्ची को इस तरह से तड़के रख दिया है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हैदराबादी खिचड़ी खट्टा बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। सुबह नाश्ते के वक्त बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। चलिए फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स करके बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए। हमारा अच्छा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।